हेलो दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर किशन शाह सर के डायरेक्टर कैरियर के बारे में बताएंगे। किशन शाह ने 1995 में आई मूवी पुलिस लॉकअप से अपने डायरेक्टर कैरियर की शुरुआत की थी। इस मूवी के लीड कास्ट में मुकेश खन्ना, राज प्रेमी और सदाशिव अमरपालकर शामिल थे। इस मूवी का बजट 17 लाख रहा। भारत में कमाई 5 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 8 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 1998 में किशन शाह की मूवी आई मुर्दा। इस मूवी के लीड कास्ट में पूनम दास गुप्ता, राज प्रेमी, सपना और गुलशन राणा शामिल थे। इस मूवी का बजट 25 लाख रहा। भारत में कमाई 65 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1 करोड़ 12 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 1999 में किशन शाह की मूवी आई तनगन। इस मूवी के लीड कास्ट में राज प्रेमी, सपना, शबनम और विनोद त्रिपाठी शामिल थे। इस मूवी का बजट 20 लाख रहा। भारत में कमाई 9 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 15 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल किशन शाह की एक और मूवी आई मुर्दा घर। इस मूवी के लीड कास्ट में राज प्रेमी, सतनाम कौर, ज्योति राणा और शक्ति कपूर शामिल थे। इस मूवी का बजट 15 लाख रहा। भारत में कमाई 6 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 11 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल किशन शाह की पांचवी मूवी आई फूल बनी फूलन। इस मूवी के लीड कास्ट में सोनू बलिया, निरंजन खान और पृथ्वी शामिल थे। इस मूवी का बजट 35 लाख रहा। भारत में कमाई 3 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 6 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल किशन शाह की छठी मूवी आई स्कूल गर्ल। इस मूवी के लीड कास्ट में अपर्णा, राज प्रेमी, ज्योति राणा और विनोद त्रिपाठी शामिल थे। इस मूवी का बजट 20 लाख रहा। भारत में कमाई 12 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 20 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल किशन शाह की सातवीं मूवी आई चामुंडा। इस मूवी के लीड कास्ट में राज प्रेमी, सतनाम कौर, ज्योति पांडे और हैदर अली शामिल थे। इस मूवी का बजट 15 लाख रहा। भारत में कमाई 5 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 9 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। सन 2000 में किशन शाह की मूवी आई हीराबाई। इस मूवी के लीड कास्ट में सपना, सतनाम कौर और पूजा शर्मा शामिल थे। इस मूवी का बजट 25 लाख रहा। भारत में कमाई 21 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 37 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल किशन शाह की एक और मूवी आई डाकू सुल्ताना। इस मूवी के लीड कास्ट में सपना, सतनाम कौर, अमन सागर और रंजित शामिल थे। इस मूवी का बजट 30 लाख रहा। भारत में कमाई 24 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 42 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल किशन शाह की 10वीं मूवी आई जय भवानी। इस मूवी के लीड कास्ट में सपना, अमित पचोली और रंजित चंदा शामिल थे। इस मूवी का बजट 30 लाख रहा। भारत में कमाई 24 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 40 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल किशन शाह की 11वीं मूवी आई डाकू गंगा यमुना। इस मूवी के लीड कास्ट में सपना, अमित पंचोली, शक्ति कपूर और किरण कुमार शामिल थे। इस मूवी का बजट 25 लाख रहा। भारत में कमाई 12 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 23 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल किशन शाह की 12वीं मूवी आई गंगा डकैत। इस मूवी के लीड कास्ट में सपना, अमित पचोली, मोहन जोशी और किरण कुमार शामिल थे। इस मूवी का बजट 20 लाख रहा। भारत में कमाई 15 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 26 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल किशन शाह की 13वीं मूवी आई काली पहाड़ी। इस मूवी के लीड कास्ट में पूनम दास गुप्ता, सतनाम कौर, ब्रिज गोपाल और अली खान शामिल थे। इस मूवी का बजट 15 लाख रहा। भारत में कमाई 6 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 10 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल किशन शाह की 14वीं मूवी आई आखिरी डकैत। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, सपना, शक्ति कपूर और इमरान खान शामिल थे। इस मूवी का बजट 45 लाख रहा। भारत में कमाई 14 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 24 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2001 में किशन शाह की मूवी आई तहखाना। इस मूवी के लीड कास्ट में सतनाम कौर, हेमंत बिरजे, अमित पंचोली और अमित कपूर शामिल थे। इस मूवी का बजट 15 लाख रहा। भारत में कमाई 7 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 11 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल किशन शाह की मूवी आई जंगली टार्जन। इस
उनके लीड कास्ट में सतनाम कौर, जोगिंदर अली खान और अनिल नागरथ शामिल थे। इस मूवी का बजट 20 लाख रहा। भारत में कमाई 13 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 23 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2002 में किशन शाह की मूवी आई गदर एक देश प्रेमी। इस मूवी के लीड कास्ट में डुप्लीकेट सनी देओल, सपना, अमित कपूर और मधुप्रिया शामिल थे। इस मूवी का बजट 15 लाख रहा। भारत में कमाई 9 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 15 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल किशन शाह की मूवी आई गरीबों का दाता। इस मूवी के लीड कास्ट में सपना, सतनाम कौर और अमित पचौरी शामिल थे। इस मूवी का बजट 15 लाख रहा। भारत में कमाई 3 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 5 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2003 में किशन शाह की मूवी आई भूत के पीछे भूत। इस मूवी के लीड कास्ट में सपना, सतनाम कौर और हिम्मत बिरिज शामिल थे। इस मूवी का बजट 20 लाख रहा। भारत में कमाई 7 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 11 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल किशन शाह की मूवी आई गोरी और काली। इस मूवी के लीड कास्ट में सपना, सतनाम कौर और अमित पचौरी शामिल थे। इस मूवी का बजट 20 लाख रहा। भारत में कमाई 14 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 23 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल किशन शाह की 21वीं मूवी आई तवायव। इस मूवी के लीड कास्ट में सतनाम कौर, अमित पचौरी, अली खान और विनोद त्रिपाठी शामिल थे। इस मूवी का बजट 15 लाख रहा। भारत में कमाई 6 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 10 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2004 में किशन शाह की मूवी आई मौत के पीछे मौत। इस मूवी के लीड कास्ट में अमित पचौरी, सपना और दिव्या शामिल थे। इस मूवी का बजट 20 लाख रहा। भारत में कमाई 9 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 14 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल किशन शाह की मूवी आई प्यासी नागिन। इस मूवी के लीड कास्ट में सतनाम कौर, कशिश खुराना, करिश्मा और अनिल नागरथ शामिल थे। इस मूवी का बजट 20 लाख रहा। भारत में कमाई 15 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 23 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल किशन शाह की 24वीं मूवी आई जंगली शेरनी। इस मूवी के लीड कास्ट में हेमंत बिरजी, सपना, सतनाम कौर और अमित पचौरी शामिल थे। इस मूवी का बजट 25 लाख रहा। भारत में कमाई 13 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 20 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल किशन शाह की 25वीं मूवी आई गोरी खोल दरवाजा। इस मूवी के लीड कास्ट में सतनाम कौर, कशिश खुराना, करिश्मा और रिया शर्मा शामिल थे। इस मूवी का बजट 15 लाख रहा। भारत में कमाई 6 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 10 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2005 में किशन शाह की मूवी आई मुन्नी भाई बीए बीकॉम। इस मूवी के लीड कास्ट में सपना, विनोद त्रिपाठी और मोनिका शामिल थे। इस मूवी का बजट 10 लाख रहा। भारत में कमाई 7 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 11 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल किशन शाह की मूवी आई टू पीस। इस मूवी के लीड कास्ट में सतनाम कौर, तनवीर हाशमी, रमेश गोयल और अमित नागरथ शामिल थे। इस मूवी का बजट 15 लाख रहा। भारत में कमाई 10 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 15 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2006 में किशन शाह की मूवी आई भूख द हंगर ऑफ बॉडी। इस मूवी के लीड कास्ट में इमरान और जय पाठक शामिल थे। इस मूवी का बजट 25 लाख रहा। भारत में कमाई 14 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 21 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2009 में किशन शाह की मूवी आई टुडे एक्सपोज। इस मूवी के लीड कास्ट में दीपा सिरी, शीतल, रोशनी और रोशन शामिल थे। इस मूवी का बजट 10 लाख रहा। भारत में कमाई 2 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 3 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2015 में किशन शाह की मूवी आई एसएससी फेल। इस मूवी के लीड कास्ट में गौरी एंजल, रजनीश पाठक शामिल थे। इस मूवी का बजट मालूम नहीं है। भारत में कमाई 5 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 8 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। और यही अब तक की किशन शाह सर की रिलीज होने वाली आखिरी मूवी साबित हुई है। दोस्तों, आपको किशन शाह सर का डायरेक्टर कैरियर कैसा लगा और आने वाली वीडियो किस डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या एक्टर पर चाहिए कमेंट में बताएं। साथ में हमारे चैनल ऑल मूवी कलेक्शन को सब्सक्राइब करें प्लीज। दोस्तों, थैंक यू।